हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ DSE. इन लास्ट वीडियो इन इंग्लिश वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2 एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 विच नेम इज़ रॉबर्ट एंड कॉबलर. सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन एज वी ऑलवेज डू वी विल डू फर्स्ट वर्ड मीनिंग्स. Okay, so let's do the word meanings first so that we can understand the lesson very well. Here you can see the word meanings of lesson 3, Robert and the Cobbler. So let's start. You will repeat after me every spelling and every meaning. Okay, so let's start it. Word meanings. Okay, P-O-O-R, poor. P-O-O-R, poor. Poor means गरीब. Poor क्या होता है? गरीब. हिंदी मीनिंग क्या है उसका? गरीब. अगर आप इसके स्पेलिंग लर्न करना चाहते हो तो उसको 2 times उसको रिपीट कर सकते हैं स्पेलिंग को, ताकि वो स्पेलिंग आपको लर्न हो, वर्ड लर्न होगा. अगर वर्ड आपको रीड करना अच्छे से आएगा तो ही लेसन रीडिंग ही आपको अच्छे से आएगा. COBBLER, COBBLER, cobbler means mochi. BUY, buy. BUY, buy. Buy means खरीदना. LEAVE, leave. LEAVE, leave. Leave means छोड़ना. LEATHER, leather. LEATHER, leather. Leather means चमड़ा. Leather means चमड़ा. SURPRISE, SURPRISE, surprise. Surprise means हैरान या आश्चर्य. जैसे आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट अच्छा लगता है ना, है ना, अचानक से उसको देख के आप सरप्राइज हो जाते हैं. ओके, AGAIN, अगेन. आप मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सुनिएगा तभी आपको रीडिंग अच्छे से आएगी. उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको करना है. AGAIN, अगेन. अगेन मीन्स दोबारा, या अपन इजी लैंग्वेज में बोले तो वापस या वापस. HIDE, हाइड. HIDE, हाइड. हाइड मीन्स छिपा देना या छिपना. ओके, GREEDY, ग्रीडी. GREEDY, ग्रीडी. ग्रीडी मीन्स लालची. ओके, जिसको ज़्यादा लालच होता है ना उसको क्या कहेंगे? ग्रीडी. KIND, काइंड. KIND, काइंड मीन्स दयालु. काइंड मीन्स दयालु. आप अच्छे से देख लीजिए, काइंड मीन्स दयालु. ओके, नाउ नेक्स्ट इज FIND, फाइंड. ये एफ है, अच्छे से देखना, टी नहीं है, एफ है. FIND, फाइंड. फाइंड मीन्स ढूंढना. फाइंड मीन्स ढूंढना. CORNER, कॉर्नर. CORNER, कॉर्नर. कॉर्नर मीन्स कोना. STITCH, STITCH, स्टिच. क्या बोलेंगे इसको, रिपीट करेंगे? स्टिच. STITCH, स्टिच. आप जितनी बार प्रोनाउंसिएशन करेंगे उतनी ही बार आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट होगा और फ्लुएंट होगा. STITCH, स्टिच. स्टिच मीन्स सिलना. HOLD, होल्ड. HOLD, होल्ड. होल्ड मीन्स पकड़ना. WHISPER, विस्पर. WHISPER, विस्पर मीन्स कानाफूसी करना, ये एकदम स्लोली कुछ कहना, है ना. चलिए अब हम करेंगे लेसन रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. सो वी हैव डन द वर्ड मीनिंग्स.
Like this, you should have to write the all the words and their meanings in your notebook with clean and neat handwriting and learn it. सबसे पहले तो आपको रिटर्न वर्क भी करना है और लर्न भी करना है. विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट रीड द लेसन. अगर आप स्पेलिंग उसके मीनिंग लर्न नहीं करेंगे तो आपको लेसन रीडिंग कभी भी समझ में नहीं आएगी. जितनी बार भी हो सके आप वीडियो को बार बार देखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन सुनिए अच्छे से और फिर रीडिंग स्टार्ट करिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेसन. सो आप अच्छे से ध्यान देंगे. इसमें हमारा लेसन है लेसन थर्ड. इसका नेम क्या है? रॉबर्ट एंड द कॉबलर. रॉबर्ट एंड द कॉबलर. जैसे कि हमने बताया रॉबर्ट, ROBUT, रॉबर्ट एंड कॉबलर. कॉबलर मीन्स मोची. सो दिस इज स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट अ पुअर कॉबलर. क्या है पुअर कॉबलर? मीन्स गरीब मोची है हरी, जिसका नाम क्या है? हरी. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट हु हिज काइंड फ्रेंड इज. चलिए रीड करते हैं और जानते हैं कि उसका जो दयालु दोस्त है ना वो कौन है. सो हम स्टार्ट करेंगे. हरी इज अ पुअर कॉबलर. हरी कौन है? एक गरीब मोची है. मेरे साथ आप भी रीडिंग करेंगे, सिर्फ सुनना नहीं है, आपको रीड करना है. ही लिव्स इन अ स्मॉल हट विथ हिज वाइफ गिरिजा. वो क्या करता है? एक स्मॉल हट. हट मीन्स एक झोपड़ी टाइप है ना, उसमें क्या कर रहा है? रह रहा है. किसके साथ? उसकी वाइफ गिरिजा. उसकी वाइफ का नेम क्या है? गिरिजा है. वन डे ही मेक्स अ ब्यूटिफुल पैर ऑफ शूज. एक दिन वो क्या करता है? एक सुंदर सी जोड़ी बनाता है. शूज मीन्स जूतों की. जूतों की एक बहुत ही सुंदर जोड़ी बनाता है, मतलब जूते बनाता है. दे आर रेड विथ वाइट लेसिस. वो कलर में कैसे हैं? रेड हैं. और उसकी लेसिस कौन सी हैं? कैसी हैं? वाइट कलर में हैं. ही पुट्स देम ऑन द टेबल इन हिज शॉप. उसकी एक शॉप है, वहाँ पे उन शूज़ को कहाँ रख देता है? उसकी टेबल पे रख देता है. अ स्मॉल बॉय वॉक्स इन टू हिज शॉप. एक छोटा सा लड़का उसकी शॉप में आता है. ही लुक्स एट द शूज. वो किस उसकी नज़र किस पे जाती है? जूतों पे जाती है. वो किस पे देखता है? जूतों पे देखता है. ही ट्राइज देम. वो उनको ट्राई करता है, मतलब पहन के देखता है. ही ट्राइज देम ऑन. वो पहन के देखता है. द शूज फिट हिम. शूज उसको करेक्टली फिट हो जाते हैं, अच्छे से बैठ जाते हैं. ही वॉन्ट्स टू बाय शूज बट ही हैज़ नो मनी. वो जूते खरीदना तो चाहता है बट उसके पास क्या नहीं है? मनी. मनी मीन्स क्या नहीं है? रुपये नहीं है, पैसे नहीं है. ही हैज़ अ स्ट्रेंज टॉय विथ हिम. उसके पास एक अजीब सा क्या था? टॉय था, मतलब खिलौना था, जो बहुत ही अजीब दिख रहा था या विचित्र था, है ना, वो अलग था. मतलब जैसे आप देख सकते हैं ये है उसका टॉय, है ना, ये रहा, ये है टॉय. देखते हैं इसका नेम क्या है. ओके, ये हरी है, ये गिरिजा है और ये वो स्मॉल बॉय है जो इनकी शॉप पे आया है शूज खरीदने के लिए. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन. देखते हैं क्या होता है आगे. ही गिव्स दैट टॉय टू हरी. वो क्या करता है? वो टॉय किसको दे देता है? हरी को दे देता है. द बॉय टेल्स हिम दैट इट्स नेम इज रॉबर्ट. और वो लड़का क्या कहता है हरी को? कि इसका नाम क्या है? रॉबर्ट है. जो अजीब सा दिख रहा था ना उसका टॉय, उसका नेम क्या बताया स्मॉल बच्चे ने, छोटे बच्चे ने? रॉबर्ट, ROBUT, रॉबर्ट. इट कैन डू मैनी थिंग्स. वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. स्मॉल वो छोटा लड़का उसको हरी को कह रहा है ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि इट कैन वॉक, टॉक, सिंग एंड डांस. वो क्या कर सकता है? वॉक कर सकता है, टॉक कर सकता है मीन्स चल सकता है, बोल सकता है, सिंग मीन्स गा सकता है, डांस मतलब नाच भी सकता है वो. हरी
एंड हिज वाइफ आर हैप्पी। हरी और उसकी वाइफ गिरजा थी ना, उसकी पत्नी, वो बहुत ही खुश हो गए। हरी सेज लीव रॉबर्ट विथ अस, इस रॉबर्ट को क्या करो, हमारे साथ रहने दो या हमारे साथ ही आप छोड़ दो। कम आफ्टर 3 days टू टेक इट, और 3 दिन बाद आ जाना इसको लेने के लिए, है ना। क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहा है ये, हरी बोल रहा है किसको, वो छोटे से लड़के को कह रहा है, रॉबर्ट को 3 दिन बाद आप लेने आ जाना, तब तक मेरे पास आप या हमारे पास इसको छोड़ दो। नाउ नेक्स्ट पेज, आई होप यू ऑल आर एन्जॉइंग द स्टोरी। लेट्स रीड। इन द इवनिंग हरी वॉन्ट्स टू वर्क। अब एक शाम होती है, तब क्या करता है हरी, वर्क करना चाहता है। ही लुक्स इन हिज कबर्ड, वो क्या करता है, अपने कबर्ड में देखता, अलमारी में देखता है। ही फाइंड्स दैट देर इज़ नो लेदर लेफ्ट, वो क्या देखता है कि वहाँ पे बिल्कुल भी लेदर, LEATHER, लेदर में चमड़ा, जिसके जूते बनाते हैं, चप्पल बनती है ना, वो जो मटेरियल आता है ना, उसको कहेंगे लेदर। क्या बोलेंगे, लेदर। हरी सेज, ये जो दो डॉट होते हैं ना, वो कन्वर्सेशन के लिए जब होता है तब यूज़ होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे हरी सेज देर इज़ नो लेदर इन द कबर्ड। हरी क्या कह रहा है गिरजा को कि कबर्ड में या अलमारी में तो लेदर है ही नहीं, चमड़ा है ही नहीं। आई कैन नॉट मेक एनी सूज, मैं एक भी सूज नहीं बना सकता आज। गिरिजा, डोंट वरी, आई हैव अ स्मॉल पीस इन माई बॉक्स। गिरिजा क्या कह रही है, अरे चिंता मत करो, डोंट वरी, मेरे पास मेरे बॉक्स में एक छोटा सा पीस या छोटा सा टुकड़ा है। यू कैन यूज़ दैट, तुम उसका यूज़ कर सकते हो या उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दैट नाइट हरी कट्स अ पैर ऑफ सूज विथ दिस पीस, और वो जो टुकड़ा गिरिजा ने हरी को दिया, तो वो क्या करता है, रात को उनको कट करता है सूज की पैर में। देन ही गोज़ टू द बेड, तब वो कहाँ चला जाता है, सोने के लिए चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेट्स अ सरप्राइज, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको एकदम आश्चर्य होता है, हैरान हो जाता है। अब देखते हैं वो ऐसा हैरान क्यों हो जाता है, ऐसा क्या देख लेता है वो कि वो हैरान हो जाता है। हरी लुक गिरजा अ पैर ऑफ शूज, हरी किसको कहता है, गिरजा को कहता है, जो उसकी पत्नी है ना, कि देखो मैंने तो सिर्फ उसको रात को नाइट में काट के रखा था, अब देखो एक क्या बन गई है, सूज की जोड़ी बन गई है। गिरजा, अब देखते हैं गिरजा क्या कहती है। गिरजा सेज दे आर सो ब्यूटीफुल, वो कैसे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, कितने सुंदर हैं। नाउ वी कैन सेल दिस शूज, हम इस शूज को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं एंड गेट मनी, और क्या करेंगे, बेच के क्या आएगा हमारे पास, पैसा आएगा। हरी बाइज लेदर विद द मनी ही गेट्स, अब जो शूज़ बेच के उनको, हरी को जो पैसा मिलता है, उन पैसों से हरी क्या ख़रीद रहा है, लेदर। लेदर मीन्स वो जो चमड़ा होता है ना, जिससे वो जूते बनाते हैं, वो ख़रीदता है। ही कट्स अ पैर ऑफ शूज, वो क्या कर रहा है, उसके पैर उनको शेप में काटता है, राइट, किसको, लेदर को। ही इज़ टायर्ड, वो टायर्ड मीन्स थका हुआ, वो थक जाता है। ही इज़ टायर्ड, वो बहुत ही अब थक जाता है। सो ही डज नॉट फिनिश देम, वो थक जाता है काम करते करते पूरे दिन, इसलिए वो अपना वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाता है। ही लीव्स देम ऑन द टेबल एंड गोज टू बेड, वो उनको क्या करता है, टेबल पे छोड़ देता है और सोने के लिए चला जाता है। इन द मॉर्निंग ही गेट्स अ सरप्राइज वंस अगेन, और जैसे ही सुबह होती है वो वापस सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है। देर इज़ अ पेयर ऑफ न्यू शूज ऑन द टेबल, और वो क्या देखता है एकदम से उस मॉर्निंग में, कि जो वर्क वो नाइट में फिनिश किए बिना ही सो गया था, जूतों को बनाए बिना सो गया था, वो जूते रेडी होके कहाँ पड़े हैं, टेबल के ऊपर पड़े हैं। हरी सेज लुक गिरजा अगेन अ पैर ऑफ शूज, हरी क्या कह रहा है, देखो गिरजा वापस क्या है,
सूस की जोड़ी। गिरजा सेज लेट्स फाइंड आउट हु डज दिस एंड थैंक हिम। चलिए ढूंढते हैं कि ये ऐसा काम कौन कर रहा है और उसको हम क्या कहेंगे, थैंक बोलेंगे। हरी टुनाइट लेट्स हाइड एंड सी। चलिए आज रात को क्या करते हैं, हम छिप जाते हैं, कहीं भी छिप के हम देखेंगे कि कौन नाइट में आता है और ये सूस बना देता है। तो दोनों क्या करते हैं, हरी और गिरजा क्या करते हैं, छिप जाते हैं। दैट नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर। और उस रात को वो दोनों गेट के पीछे छिप जाते हैं। सुन दे हियर अ साउंड। और थोड़ी ही देर में वो क्या करते हैं, एक अजीब सी आवाज़ सुनते हैं। इट गोज़ विर विर, मतलब आवाज़ क्या है, विर विर इस टाइप की आवाज़ है। दे सी रॉबर्ट मो। वो किसको देखते हैं, चलता हुआ किसको देखते हैं, दे सी रॉबर्ट मो, वो रॉबर्ट को चलता हुआ देखते हैं। एज इट मूव्स इट सिंग्स, जैसे जैसे वो चलता है वो गाता भी है, गाना भी गा रहा है। बिप बिप, मतलब उसकी एक ये जो धुन है उसको बोल रहे हैं बिप बिप। Everyone is asleep. Everyone is slip. मतलब क्या कर रहे हैं, सब सो रहे हैं। I like to help Hari. मुझे Hari को help करना अच्छा लगता है। Who is not at all greedy? वो कैसा है, greedy? Greedy means जो लालची नहीं है। He is good and kind. वो कैसा है, बहुत ही अच्छा है, और kind means दयालु है। In the morning, a new pair of shoes. ऐसे ही बोलता है ना रॉबर्ट। In the morning, मतलब सुबह क्या हो जाएगी, ये shoes की जोड़ी रेडी हो जाएगी। I want him to find. मैं चाहता हूँ कि सुबह हरे को ये जो shoes की जोड़ी है वो रेडी मिले। Robert finishes it work and stand in a corner. रॉबर्ट अपना क्या करता है, काम फिनिश कर लेता है और कोने में खड़ा हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉबर्ट वर्क कर रहा है ना। जैसे ही हरी और गिरिजा रोज सो जाते थे, रॉबर्ट क्या करता था, जो भी इनकम्प्लीट काम होता था हरी का वो कंप्लीट करके सूस रेडी कर देता था। हरी से सच अ काइंड फ्रेंड। हरी क्या कहता है, अरे कितना अच्छा दोस्त है, कितना दयालु दोस्त है। गिरिजा सेज आई हैव एन आइडिया। गिरजा क्या कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। लेट्स स्टिच न्यू क्लोथ्स एंड अ पेयर ऑफ शूज फॉर रॉबर्ट। चलिए काम करते हैं, रॉबर्ट के लिए हम एक कपड़ों की जोड़ी बनाते हैं और एक शूज की जोड़ी बनाते हैं, मतलब सिलते हैं। स्टिच मतलब सिलना, जो हमने हार्ड वर्ड मीनिंग देखा है, STITCH। स्टिच मीन्स सिलना, सिलाई करना। हरी इज़ हैप्पी। हरी क्या है, हैप्पी है। ही स्टिचेस अ पेयर ऑफ न्यू शूज फॉर रॉबर्ट। वो क्या करता है, रॉबर्ट के लिए एक नई जोड़ी बनाता है जूतों की। गिरजा स्टिचेस अ न्यू ड्रेस फॉर इट। और गिरजा उसके लिए, रॉबर्ट के लिए क्या बनाती है, एक नई ड्रेस बनाती है। दे ड्रेस अप रॉबर्ट एंड वेट फॉर द लिटिल बॉय। वो क्या करते हैं, रॉबर्ट को वो कपड़े पहना देते हैं, शूज पहना देते हैं, और वो जो छोटा लड़का जो रॉबर्ट को छोड़ गया था ना, उसके लिए वेट करते हैं। द नेक्स्ट डे द बॉय कम्स। और दूसरे दिन कौन आता है, वो छोटा लड़का आ जाता है, बॉय आता है। ही गिव्स मनी टू हरी फॉर द शूज। और वो हरी को क्या देता है, शूज के लिए जो उसके पैसे ड्यू थे ना वो देता है। ही लुक्स एट रॉबर्ट। और वो किसकी तरफ देखता है, रॉबर्ट की तरफ देखता है, लिटिल बॉय। रॉबर्ट लुक्स स्मार्ट। रॉबर्ट कैसा दिखने लग गया है, अब स्मार्ट दिखने लग गया है। थैंक यू फॉर द न्यू ड्रेस एंड शूज फॉर रॉबर्ट। रॉबर्ट के लिए जो नई ड्रेस आपने सिली है और जो शूज बनाए हैं, उसके लिए वो क्या बोलता है, हरी और गिरजा को थैंक्स बोलता है। हरी होल्ड रॉबर्ट इन हिज आर्म। हरी क्या करता है, रॉबर्ट को अपने हाथों से पकड़ता है। गिरिजा किसेस इट। गिरिजा उसको प्यार से चूमती है। रॉबर्ट विस्पर थैंक यू। और रॉबर्ट धीरे से कानाफूसी में चुपके से क्या बोलता है,
थैंक यू, क्या बोलता है? थैंक यू. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी एंड द स्टोरी इज़ वेरी गुड ऑफ रॉबर्ट, हरी, गिरजा एंड अ स्मॉल बॉय. ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट इज ओरल, आपको सिर्फ ओरली आंसर करना है ये वाला. वाई आर हरी एंड गिरजा हैप्पी टू गेट रॉबर्ट? क्यों गिरजा और हरी हैप्पी थे रॉबर्ट को पाके? क्योंकि रॉबर्ट उनकी हेल्प कर रहा था, राइट? बिकॉज रॉबर्ट इज हेल्पिंग देम. डू यू थिंक हरी बाइज ओनली लेदर विद द मनी ही गेट्स? यस यस, हरी बाइज ओनली लेदर विद द मनी ही गेट्स. सच अ काइंड फ्रेंड. वाई डज हरी सेज दिस? कितना अच्छा मित्र है या कितना अच्छा दोस्त है हरी, ऐसा क्यों कहता है? बिकॉज ही सीज रॉबर्ट टू हेल्प हिम. क्योंकि वो रॉबर्ट को क्या देखता है? उसकी हेल्प करते हुए देखता है. वो जब वो दोनों सो जाते हैं तब रॉबर्ट क्या करता था? उसकी शूज की पैर रेडी करता था. बट ये वाले क्वेश्चन आपको रिटर्न नहीं करना है नोटबुक में. ओके, ये सिर्फ आपको समझना है प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कंफ्रेंजन, मतलब अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बोलना. नाउ वी विल डू दिस एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट ऑप्शन राइट टिक करना है. फॉर व्होम डू यू थिंक हरी मेक्स द रेड शूज? अ चाइल्ड, अ यंग लेडी, अ यंग मैन, हिमसेल्फ. वो किसके लिए शूज बनाता है? तो स्मॉल बॉय लेके जाता है, तो ऑब्वियसली फॉर चाइल्ड, ऑप्शन ए. वेयर डू गिरजा एंड हरी हाइड? गिरजा और हरी कहाँ छुप जाते हैं? बिहाइंड द कबर्ड, अंडर द बेड, बिहाइंड द डोर, आउटसाइड. बिहाइंड द डोर, ऑप्शन बी. हरी होल्ड्स रॉबर्ट इन हिज आर्म्स, गिरजा किसेज इट. हरी क्या करता है? रॉबर्ट को अपने हाथों में पकड़ लेता है और गिरजा क्या करती है? उसको किस करती है. वॉट डज दिस टेल यू? ये क्या बताता है? वो हैप्पी है, दे आर हैप्पी. रॉबर्ट इज देयर टॉय, दे लव रॉबर्ट. दे आर सैड. दे लव रॉबर्ट, ये करेक्ट ऑप्शन. वैसे ये भी होता है दे आर हैप्पी, बट हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये करेंगे और ये भी हम राइट कर सकते हैं. दे आर हैप्पी एंड दे लव रॉबर्ट. वो दोनों खुश भी हैं और वो रॉबर्ट को प्यार भी करते हैं, है ना? इसीलिए तो वो उसको पकड़ते हैं और किस करते हैं, राइट? नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन आंसर. वॉट इज द स्ट्रेंज टॉयज नेम? वॉट कैन द स्ट्रेंज टॉय डू? क्वेश्चन आंसर हम यहाँ करेंगे. वॉट इज स्ट्रेंज टॉयज नेम? वॉट कैन द स्ट्रेंज टॉय डू? स्ट्रेंज टॉयज नेम इज रॉबर्ट. उसका नेम क्या है? रॉबर्ट है. और वो क्या क्या कर सकता है? इट कैन डू मैनी थिंग्स लाइक वॉक, टॉक, सिंग एंड डांस. वो एक टॉय है, एक रॉबर्ट है, लेकिन फिर भी क्या कर सकता है? वॉक मीन्स चल सकता है, बोल सकता है, सिंग गा सकता है और डांस कर सकता है. हु गिव्स हरी लेदर टू मेक शूज? हरी को शूज बनाने के लिए लेदर कौन देखता है, देता है? गिरिजा, हिज वाइफ. गिरिजा कौन है? जो उनकी वाइफ है, वो क्या देती है? उसको लेदर देती है. क्या बनाने के लिए? शूज बनाने के लिए. ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड. वॉट डज हरी डू विद द मनी ही गेट्स? हरी को जो पैसे मिलते हैं उससे वो क्या करता है? हरी बाइज लेदर विद द मनी ही गेट्स. हरी को जो शूज उसने बेचे थे उससे जो भी पैसा मिलता है उसे वो क्या करता है? लेदर खरीदता है. लेदर मीन्स चमड़ा. क्वेश्चन नंबर फोर. वॉट डू
गिरिजा एंड हरी मेक फॉर रॉबर्ट। गिरिजा और हरी क्या करते हैं रॉबर्ट के लिए, क्या बनाते हैं? गिरिजा एंड हरी स्टिच, STITCH, स्टिच, ये टी है दोनों, स्टिच न्यू क्लोथ्स एंड अ पैर ऑफ शूज फॉर रॉबर्ट। गिरिजा और हरी क्या करते हैं उसके लिए, नया कपड़ा मतलब न्यू ड्रेस और अ पैर ऑफ शूज मतलब नए जूते की जोड़ी बनाते हैं और उसको पहना के रेडी करते हैं ना, जैसे हमने देखा। सो वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर। वन टू फाइव एंड यू शुड हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर इन नोटबुक। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर किस में करने हैं, नोटबुक में करने हैं। ओनली जितने मैंने करवाए हैं उतने ही आपको करने हैं, और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ बुक में करने हैं, बट आप अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप उसको नोटबुक में करके मुझे सेंड करिए। ओके, जस्ट डू योर वर्क एंड सेंड मी विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ओके, सो ये और ये आपको नोटबुक में करना है। एंड नाउ ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमें सिर्फ ओरली करने हैं, ये हमें नोटबुक में नहीं करना है। ओके, सो इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। ये वाली फर्स्ट इज मैच ईच पिक्चर विथ वर्ड डिस्क्राइब इट बेस्ट। यहाँ पे पर्सन्स है, उसमें कौन सा वर्ड किसके लिए अच्छे से डिस्क्राइब करता है, जैसे काइंड, पुअर, हेल्पफुल। तो ये जो है काइंड, काइंड कौन था, रॉबर्ट, वो दयालु था। पुअर, गरीब कौन था, हरी। हेल्पफुल कौन थी, गिरिजा, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की हेल्प करती थी ना उसके वर्क में। नेक्स्ट इज रीमा गिव्स हर ओल्ड टॉयज टू हर मेड्स डॉटर, हाउ डू यू थिंक शी फील्स। रीमा क्या कर रही है, उसकी जो मेड मतलब काम करने वाली है, उनकी हेल्पर है, उनको वो अपना टॉय देती है, वो क्या फील कर रही है, क्योंकि सैड, उनके लिए दुखी हो रही है, इसलिए वो क्या कर रही है, उनको दे रही है। हाउ डू यू थिंक हर मेड्स डॉटर फील्स हैप्पी, राइट। जब किसी को आप गरीब देखते हैं या कोई ज़रूरतमंद होता है तो आपको उनको देख के थोड़ा दुख होता है, और आप उनकी हेल्प करोगे तो आपको हैप्पी फीलिंग होगी, बट फर्स्ट में क्या होता है, सैड फीलिंग, राइट, क्योंकि आप उनको ऐसी सिचुएशन में देखते हैं। सो ये आपको फीलिंग सिखाते हैं। हाउ डू यू थिंक हर मेड्स डॉटर फील, जब उसको खिलौना मिलेगा, उनकी हेल्पर की डॉटर को ये खिलौना मिलेगा, तब वो कैसा फील करेगी, हैप्पी फील करेगी ना, ऑब्वियसली खुश हो जाएगी टॉय देख के। ओके, सो ये सिर्फ आपको बुक में ही करना है, ये आपको नोटबुक में नहीं करना है। सो आपको नोटबुक में क्या क्या करना है, दिस एंड दिस, और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं करने हैं, बिकॉज आप इतने सारे लर्न नहीं कर पाओगे। एंड नाउ ये हार्ड वर्ड्स, ये हार्ड वर्ड्स आपको सारे अच्छे से रीड करने हैं सबसे पहले तो, और फिर आप रीडिंग एंड राइटिंग बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन नोटबुक। ओके, और ये रिटर्न वर्क के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेसन रीडिंग। लेसन रीडिंग बहुत ज़रूरी है, लेसन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर को रटने का या MCQ रटने का कोई मीनिंग नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रीड करना और उसको समझना, और वो कब हो पाएगा, जब आप सेल्फ रीडिंग करेंगे। आप वीडियो प्ले करिए और आप भी साथ साथ में बुक से रीडिंग स्टार्ट करिए। ओके, सो डू योर वर्क विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड देन सेंड मी। ओके, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।